नमस्कार, मैं नीता देवलिया आज की योग की कक्षा में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा पलड़िया हैं। तो आइए, आज के अभ्यासों में, आज की कक्षा में हम सबसे पहले करने जा रहे हैं षटकर्मों का अभ्यास। षटकर्मों में जल नीति का अभ्यास हम करेंगे। थोड़ा सा षटकर्मों की चर्चा हम इसमें करते हैं। षटकर्मों का अभ्यास छः प्रकार के कर्म हैं। षटकर्म जिसमें धोती बस्ती, नेति नौली व त्राटक का अभ्यास किया जाता है, साथ ही साथ इसका अंतिम अभ्यास कपालभाति होता है। तो हम सबसे पहले इसमें तीसरे नंबर पर किए जाने वाली नेति जल नीति का अभ्यास करेंगे। उससे पूर्व आपको कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी है। किसी भी षटकर्म का आप अभ्यास करते हैं तो अभ्यास सुबह खाली पेट ही किया जाए, यह अभ्यास गुप्त रखना चाहिए। साथ ही अभ्यास काल के दौरान आपको सुपाच्य व यौगिक आहार ही लेना है, ज़्यादा तला भुना या फिर चटपटा आपको नहीं लेना है। कोशिश करें कि यौगिक आहार को ही आप डाइट में शामिल करें। तो आइए, इन बातों को ध्यान में रखकर हमें यह भी ध्यान रखना है कि जल नीति का अभ्यास सप्ताह में एक या दो बार किया जाए। यदि अगर चिकित्सा हेतु आप कर रहे हैं तो यह अभ्यास किसी कुशल प्रशिक्षक के निर्देशन या परामर्शन पर ही आप करेंगे, जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जल नीति का अभ्यास किस प्रकार करना है, कैसे करना है, क्या इसके लाभ व सावधानियां हैं, इसकी चर्चा हम आज की योग की कक्षा में करेंगे। आपको अभ्यास से पूर्व इसकी सावधानियां ध्यान में रखनी है, वह पूर्व तैयारियां करके ही आप जल नीति का अभ्यास करेंगे। जल नीति का सामान्य अर्थ ही है नाक से की जाने वाली नीति, जिसमें आप जल का उपयोग करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए, किस प्रकार से करना है ये जानें। जल नीति जल द्वारा नाक से की जाने वाली क्रिया है। जल नीति के लिए आपको पानी तैयार करना है। पानी गुनगुना होना चाहिए, जो नाक में अधिक गर्म या ठंडा ना लगे। इसमें नमक मिलाकर नमकीन स्वाद बनाना है। यह हल्का नमकीन या थोड़ा ज़्यादा आपकी सुविधा अनुसार हो सकता है। नमक के पानी का ही उपयोग करना है, जिससे सॉफ्ट ब्लड वेसल्स व मेम्ब्रेन द्वारा पानी आसानी से प्रवेश नहीं होगा। आपको नाक में किसी भी प्रकार की जलन या दर्द का अनुभव नहीं होगा। जल नीति क्रिया के लिए नीति पॉट की आवश्यकता होगी। आपके पास नीति पॉट होना आवश्यक है, जिसमें जल होना चाहिए। नाक साफ करने के लिए छोटा तौलिया या रुमाल रखें। जल नीति का अभ्यास प्रारंभ करने के लिए आपकी स्थिति क्या रहेगी, यह अभ्यास आप बैठकर भी कर सकते हैं उकड़ू आसन में। यहाँ पर जो अभ्यास दिखाया जाएगा खड़े होकर हम करेंगे, खड़े होकर भी यह अभ्यास किया जा सकता है। आपकी शारीरिक स्थिति, दोनों पैरों को हल्का सा खोल लें। पॉट पकड़ने का सही तरीका, पॉट को नीचे से पांचों उंगलियों से आपको होल्ड करना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। इसके लिए आप रुमाल या साइड में रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे जेब में रख सकते हैं। किसी एक हाथ से आपको चेक करना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आप एक नाक बंद करते हुए दूसरी नाक से श्वास भर व छोड़ेंगे, पुनः दूसरी नाक से श्वास लेंगे व छोड़ेंगे। आपको पता चल जाएगा किससे आसानी से आप श्वास ले रहे हैं व छोड़ रहे हैं, आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अभ्यास प्रारंभ करेंगे। यदि आपका दायां स्वर चल रहा है तो दाई नासिका से स्टार्ट करेंगे। पॉट की टोटी को दाई नासिका पर फिक्स करते हुए सबसे पहले आपको अपना मुंह खोलना है। श्वास प्रश्वास लगातार मुंह से रहेगी। ध्यान रहे, पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको श्वास प्रश्वास नाक से नहीं करनी है। इससे आपका पानी सिर पर चढ़ सकता है, मुंह में आ सकता है या श्वास नली में जा सकता है। मुंह खोलते हुए पॉट को प्रॉपर फिक्स करना है, जिससे आपका पानी दाई नासिका से बाहर ना गिरे। धीरे से गर्दन को झुकाते हुए दाई ओर देखेंगे। पॉट झुकाते हुए धीरे से पानी आने लगेगा। यदि बाई ओर पानी आने लगे, बाई नासिका से स्थिति में रुकना है, ज़्यादा हिलना या डोलना नहीं है। किसी एक स्थिति में रुकते हुए पानी के फ्लो को
बनाकर रखना है। ध्यान रहे पूरी प्रक्रिया के दौरान आप सजग रहें, आपकी श्वास प्रश्वास मुंह के द्वारा हो सकता है। प्रारंभ में जब आप यह अभ्यास करें, पानी रुक रुक कर आए या पानी आने में कठिनाई हो, अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे अभ्यस्त होने के बाद, सही प्रकार से करने के बाद पानी प्रॉपर तरीके से आने लगेगा। एक धार बना कर रखें, लगातार एक तरफ से पूरे पॉट के पानी से अभ्यास करें। धीरे धीरे बीच में आपको ध्यान रखना है कि आपकी पूरी श्वास प्रश्वास मुंह से हो, ताकि पानी इजीली आपकी दाई नासिका से होते हुए बाई नासिका के छिद्र से वापस आ सके। नाक से श्वास लेना या छोड़ना नहीं है। पानी खत्म होने के बाद यही अभ्यास हम दूसरे नाक से भी करते हैं। धीरे से एक तरफ अभ्यास पूरा होने के बाद पानी पूरे तरीके से बाहर निकालेंगे। पूरी तरीके से श्वास छोड़ें झुकते हुए। धीरे से दाई नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सा फोर्स के साथ छोड़ेंगे, ताकि पानी इजीली बाहर निकल सके। यदि म्यूकस है तो इजीली बाहर आ सके। तौलिया आपको पास में रखना है, ताकि आप नाक पोंछते रहें, साफ करें नाक को अच्छे से। यही अभ्यास बाई नाक को बंद करते हुए दाई नाक से श्वास छोड़ेंगे, पूरा पानी आपका बाहर निकले इस प्रकार से। धीरे से दाई नासिका को बंद करना है पुनः। यही अभ्यास बाई ओर झुकते हुए पांच बार, छह बार, जैसे भी आपको सहज हो वैसे करें। बाई ओर झुकते हुए इसी प्रकार से बाई नाक को बंद करते हुए अभ्यास करें, श्वास छोड़ें। पुनः नीचे की ओर झुकते हुए श्वास छोड़ें, हल्का ऊपर की ओर देखते हुए श्वास छोड़ें। यही अभ्यास आप चाहें पूरा आगे झुकते हुए भी श्वास छोड़ सकते हैं। जब आपको लगे कि पानी पूरा निकल चुका है, तो आप दूसरे नाक से यही अभ्यास करेंगे। तो आइए यही अभ्यास हम करें। सबसे पहले आपके पॉट में पानी होना चाहिए। बाएं हाथ से पॉट को होल्ड करेंगे। होल्ड करने का तरीका यही रहेगा। शुरू करेंगे धीरे से बाएं नासिका आगे झुकते हुए। बाई नासिका में पॉट की टोटी को फिक्स करें। ग्रिप बनाकर आपको रखनी है, बहुत ज़ोर से नहीं करना है यह ग्रिप। धीरे से गर्दन एक तरफ झुकाते हुए बाई ओर देखेंगे। धीरे से पॉट को नीचे की ओर झुकाते हुए दाई नाक से पानी आने लगे इस स्थिति में रुकें। ध्यान रहे आपका मुंह खुला रहेगा। श्वास पे श्वास मुंह के द्वारा आपको करना है। यदि मुंह से श्वास लेने में कठिनाई हो, तो थोड़ा और खोल सकते हैं। पूरी सजगता श्वास पे श्वास पर पूरे अभ्यास के दौरान मुंह से श्वास लेनी व छोड़नी है। हो सकता है प्रारंभ में यदि आप बाई नाक से पॉट को फिक्स कर रहे हैं, तो बाई नाक से पानी गिरे। इस करेक्शन को आपको ठीक करना होगा। प्रॉपर आप ग्रिप बनाकर रखेंगे तो पानी केवल दाई नासिका से आएगा। धीरे से अभ्यास को पूरा करेंगे, पॉट के पानी को खत्म करते हुए पुनः लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए पानी को बाहर निकालें। धीरे से बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से सांस छोड़ें। नीचे झुकते हुए बाई ओर झुकते हुए दाई नासिका को बंद करें। धीरे से आपको एक्सहेल करना है, श्वास छोड़ते हुए पानी को बाहर निकालना है, जैसे भी आप सहज महसूस करें।
नीचे की ओर झुकते हुए एक बार पुनः करेंगे। दाएं बाएं दोनों तरफ आपको करना है। दोनों नाक से भी आप करेंगे, एक एक नाक से बंद करते हुए भी आप करेंगे। पानी सही तरीके से नाक से बाहर निकालना है। यदि पानी नहीं निकला है तो पूरा आगे झुकते हुए भी आप श्वास छोड़ सकते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे। यदि आपको फिर भी लगता है कि पानी रह गया है तो शशांक आसन में एक्टिवली श्वास छोड़ते हुए कपालभाति का अभ्यास किया जाता है, जिससे पानी आसानी से निकल सके। तो आइए जल नीति करने के बाद विश्राम की अवस्था में आ जाएं तथा जल नीति करने के लाभों को जानें। इसका सबसे अधिक प्रभाव साइनस ग्रंथि पर पड़ता है। यह साइनोसाइटिस व ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों में लाभकारी क्रिया है। नाक, कान व गले से संबंधित रोगों के निवारण में भी यह सहायक क्रिया होती है। श्वसन संबंधी रोगों, अनिद्रा, तनाव की समस्या को भी यह दूर करता है। यह क्रिया करने से नाक साफ रहती है, नाक में नमी बनी रहती है। सर्दी जुकाम की समस्या को भी यह अभ्यास दूर करता है। यह अभ्यास पिट्यूटरी ग्लैंड को भी प्रभावित करता है। जल नीति से पूर्व भी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, और कुछ सावधानियां ऐसी हैं जिन्हें जान लेना आवश्यक है। यदि नाक से खून आने की समस्या है तो उन व्यक्तियों को कुशल निर्देशन के बिना यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। नाक में जल डालने से पूर्व यह ध्यान रखें कि जल अधिक गर्म या ठंडा ना हो। उसके लिए आप अपनी स्किन में डालकर उसे चेक कर सकते हैं। नाक में जल डालने से पूर्व आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि अभ्यास करते हुए जल बाहर ना आए, अंदर ही रहे, तो प्रशिक्षक से परामर्श लें व अभ्यास को रोकें। नेति पॉट को नाक में फिक्स करते समय यह सावधानी रखें कि पॉट जोर से अंदर ना फिक्स करें, जिससे अंदर घाव बन सकता है। तो हमने आज जल नीति के लाभ व सावधानियों को जाना। फिर भी पूरी विधि को सही तरीके से जानने के पश्चात ही हमें इसका अभ्यास करना चाहिए।